हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप सभी को पता है, जो कि अभिनय सर ने, रेमो सर ने एक ग्रीवांस कैंपेन चलाया है जिसके थ्रू हम पीएम तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ग्रीवांसेस के थ्रू, पीजी पोर्टल के थ्रू, और अपनी समस्या को उन तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, करना क्या है, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, ट्वीट किए, 50-60 लाख ट्वीट किए, फिर भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जैसा कि सभी टीचर्स ने बताया, अब क्या है कि हम एक थोड़ा सा और जेंटल वे की तरफ जा रहे हैं, एक जो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल सुझाया हुआ तरीका है कि अगर कोई समस्या है तो हम तक कैसे पहुंचाएं, उस मेथड की तरफ हम जा रहे हैं। अब हमें कैसे फाइल करना है, पहले हम इस बात पे आ जाते हैं कि हमें ग्रीवांस फाइल कैसे करनी है। मैं इन दोनों बातों को इस चीज़ में, इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है। कैसे करना है आपको, देखिए सिंपल सी बात है, आपको यहां से आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिस लिंक पर आप जा सकते हैं, pmopg.gov.in करके आपका एक लिंक है। इस लिंक पर आप जाते हैं तो आपको इस तरीके का पेज खुलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर pmopg.gov.in/pmocitizen/grievance-pmo.aspxx, ये आपका एक पोर्टल है जिसमें थोड़ी देर पहले अभी सर्वर डाउन हो गया था तो अभी वेबसाइट नहीं खुल रही थी, बट अभी वेबसाइट ओपन हो रही है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। पहली लाइन में वो आपसे नाम पूछता है, आप अपना यहाँ पे नाम भर सकते हैं। उसके बाद वो आपसे आपका जेंडर पूछता है, यहाँ पर आप अपना जेंडर बता सकते हैं। उसके बाद अपनी कंट्री बता सकते हैं, यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है, यहाँ आपको स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है। फोन नंबर आपको नहीं डालना है क्योंकि आप पुराने वाले फोन नंबर्स नहीं चलते हैं। आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना, अपना मोबाइल नंबर जरूर डाल दीजिएगा और अपनी ईमेल आईडी जरूर डाल दीजिएगा। ये दोनों चीज़ें आपको डालनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसके अलावा कैटेगरी में आपसे पूछेगा कि पब्लिक ग्रीवेंस है, सजेशन है, फीडबैक है, तो आप यहाँ से पब्लिक ग्रीवेंस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर इस कोड को लिखेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे और आपकी ग्रीवांस फाइल हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ लिंक पर जाना है, थोड़ी सी डिटेल फिल करनी है, यहाँ पर अपनी ग्रीवांस लिखनी है और आप इसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेथड हो गया पहला वाला, जिसमें आपको pmopg.gov.in पर आप अपनी ग्रीवांस फाइल कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप पीजी पोर्टल पे कैसे फाइल करेंगे। तो pgportal.gov.in पर पहले आप चले जाइए, pgportal.gov.in इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपसे वो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन पूछता है, ठीक है। अब जिन लोगों का अकाउंट पहले से है, जैसे मेरा अकाउंट इसमें पहले से था क्योंकि मैंने 2016 में भी ग्रीवेंसेस फाइल की थी, उस समय पर भी ऐसी समस्याएं आई थी जब मैं सीजल की तैयारी कर रहा था, तब भी ये सब हुआ था। तो आपको यहाँ पर अपना क्या करना है, यहाँ पर अपने डिटेल्स डालना, मोबाइल नंबर डालना, पासवर्ड डालना है और उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपने पहले डाल रखा है। बट अगर नहीं डाल रखा है तो क्या करना है, पहली बार आप ग्रीवांस फाइल करने जा रहे हैं तो क्लिक यहाँ पर क्लिक करिए, क्लिक हेयर टू साइन अप। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू साइन अप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम पूछेगा, जेंडर पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो सभी से पूछते हैं वो आप कर देंगे। आप क्या एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल देंगे, सब सेव करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे वो आपके एक मेल पर, जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल नंबर है उस पर आपको एक OTP भेजेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिंक आएगा, उसमें कहेगा आप OTP एंटर करिए, इस पर सबमिट कर देंगे, उसके बाद यहाँ से पेज बंद हो जाएगा। उसके बाद आपकी मेल पर एक लिंक जाता है, उस लिंक में आपको एक लिंक दिया होगा और कहेगा इस पर क्लिक करके वेरीफाई करिए कि आपने मेल और अकाउंट मोबाइल नंबर सही डाला है कि नहीं। तो उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आपका एक OTP पूछा जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर पर आ गया होगा और उस OTP को आप वहाँ पर एंटर कर देंगे और आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। बहुत सिंपल सा मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा तरीका है। फिर आपको यहाँ साइन इन पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर अपना यूजर नेम जो उसमें होगा वो आप डाल देंगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल देंगे जो आपने बनाया होगा, क्योंकि OTP के बाद वो पासवर्ड बनाने का ऑप्शन पूछेगा तो पासवर्ड बना देंगे और सिक्योरिटी कोड डाल देंगे। जैसे ही आप इतना सब करेंगे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे मेरा ये अकाउंट है, मैंने यहाँ पे ग्रीवेंसेस फाइल करी थी, मैं मतलब ये 2016 की ग्रीवेंसेस, आप 18 की देख सकते हो, 2016 के रिगार्डिंग मैंने 18 में फाइल की थी, तब हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आज मैंने ग्रीवांस फाइल किया, तो इसमें क्या करना है, आप यहाँ पर जाइए लॉज पब्लिक ग्रीवांस। जैसे ही लॉज पब्लिक ग्रीवांस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस पूछता है, आपको इसमें किस पे क्लिक करना है, आपको इसमें अदर मिनिस्ट्रीज पे क्लिक करना है। जैसे ही अदर मिनिस्ट्रीज पे क्लिक करेंगे एक इस तरीके का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपकी ऊपर पर्सनल डिटेल्स दी होंगी जो मैं पेज आपको नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा ग्रीवांस कहाँ पे फाइल करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या अदर ऑर्गेनाइजेशन में। आप यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट चूज कर लेंगे।
उसके बाद मिनिस्ट्री का पूछेगा, तो अब ये सवाल है कि हम कहां पर ग्रीवांस फाइल करें, किस मिनिस्ट्री में। तो यहां से आप मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री नहीं, यहां से आप डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग पे ग्रीवांस फाइल करेंगे, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग आप टाइप करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप सेलेक्ट कर देंगे। आपसे पूछेगा क्या कंप्लेन आपकी कोविड रिलेटेड है, नहीं है। आप यहां पर फिर अपनी ग्रीवांस को लिखेंगे, आप इसको बहुत ही इज्जत से बहुत ही सम्मान से अपनी ग्रीवांस लिखिए, क्योंकि हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल ही जो सरकार के द्वारा सुझाया हुआ मेथड है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर लिखिए, रिस्पेक्टेड सर, मेरा नाम ये है, मैं इस परीक्षा का अभ्यर्थी हूँ, ये मेरा रोल नंबर है, इस परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, इस तरीके से SSC की तमाम परीक्षाओं में मैं बैठ चुका हूँ, किसी का भी रिजल्ट समय से नहीं दिया जा रहा है, जिसका रिजल्ट आता है उसमें रिजल्ट के समय समस्याएं होती हैं। कैसी समस्याएं होती हैं? नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो सही से नहीं होता है, टीयर टू का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है जो कि कम शिफ्ट में कंडक्ट किया जा सकता है, टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। जितनी भी समस्याएं हैं आप जितना डिटेल लिख सकते हैं लिखिए, ठीक है। पीएमओ वाली ग्रीवांस में वर्ड लिमिट है 4000 कैरेक्टर्स तक की लिख सकते हैं, 4000 कैरेक्टर्स बहुत हैं, इतने में आपके चार पन्ने का ऐसे आ जाएगा, और वैसे भी आप टीयर थ्री CHSL वाले देंगे ही देंगे, तो आदत हो जाएगी आपको, लिखने की आदत है ही आपको, तो आराम से अपनी टीयर थ्री की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर खूब ऐसे लिखिए अच्छे से, और उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ सिक्योरिटी कोड डालना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद एक ग्रीवांस नंबर मिल जाएगा और वो आपको आपकी मेल पे भी आ जाएगा। जैसे मेरा डैशबोर्ड में यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने टोटल 3 ग्रीवांस फाइल की हैं, जिसमें से आपका 2 का जवाब आ चुका है और 1 अभी जो मैंने आज फाइल की है उसका जवाब नहीं आया, तो वो आप लोगों को भी इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कैसे ग्रीवांस फाइल करनी है pmopg.gov.in पे, इसका लिंक कमेंट से डिस्क्रिप्शन में है, पीएमओ वाला लिंक आप इस पे ओपन कर सकते हैं, पीजी पोर्टल वाला लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप दोनों लिंक्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आपको लिखना है डिले इन एग्जाम प्रोसेस, जो एग्जाम प्रोसेस में डिले होता है 2-3 साल पेपर ही चल रहा है इसकी जो समस्या है आपको इसे बताना है। नॉर्मलाइजेशन में जो समस्या आ रही है आपको उसे हाईलाइट करना है कि बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल सभी का सेम नहीं है, जिसकी वजह से किसी के 50 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के 50 नंबर घट रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत बड़ा नंबर है, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप में से किसी को इंग्लिश लिखने में समस्या है तो आप हिंदी में भी अपनी ग्रीवांस फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर वहाँ लिखना है वहाँ पे आप हिंदी में भी अपनी ग्रीवांस लिख सकते हैं। वैकेंसीज इशू आप अपना लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वैकेंसीज कम हो रही हैं तो आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक ग्रीवांस पोर्टल फाइल किया जाए, एक डिमांड कर सकते हैं SSC से कि हमारी समस्या डायरेक्ट हम वहाँ पे बता सकें, एक हेल्पलाइन नंबर दें जो लगे, अभी हेल्पलाइन नंबर है वो लगता नहीं है। रिजल्ट में डिले आ रहा है इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। CGL 2019 का जो समस्या है इसे हाईलाइट कर सकते हैं। CGL 2018 का रिजल्ट की समस्या है उसे हाईलाइट कर सकते हैं। एज रिकनिंग को लेकर जो समस्या है आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। CHSL 2018 के लेकर जो समस्या है आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। MTS की जो समस्या है उसे हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी आपको कमी खामी नजर आ रही है, उन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। तो आप टारगेट बनाकर चलिए कि आपको 2 दिनों में कम से कम 20-25 ग्रीवांसेस फाइल करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटेड सेम ग्रीवांस आप बार बार फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे कि चैनल जो है मेरा वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ग्रीवांस फाइल करना है और क्या लिखना है। तो आप में से जो कोई भी ग्रीवांस फाइल करे वहाँ पे वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता है, अपने ग्रीवांस का हाइड नंबर हाइड कर देना, और उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपकी आपने जो ग्रीवांस लिखी है वो क्या लिखी है, जिससे कि बाकी बच्चे जो नहीं लिख पा रहे हैं, जिनको समस्या हो रही है थोड़ी, वो लोग उसको एज इट इज़ कॉपी करके और अपने हिसाब से चेंजेस करके उसको लिख सकें। तो मतलब ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए ट्विटर में क्या होता था कि ट्विटर में हमें दिख रहा था, हमें दिखता है कि ये ट्रेंड हो रहा है, नंबर 1 पे जा रहा है, नंबर 2 पे आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, तमाम बातें हो रही, बज़ हो रही है, देयर इज़ अ बज़ अराउंड इट। बट जब हम PG पोर्टल पे ग्रीवांस फाइल कर रहे हैं तो कोई बज़ नहीं होगा, कोई मीडिया हाउस इसे कवर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी एटलीस्ट एक प्रयास कर रहे हैं, हम उस पोर्टल को इतना ज़्यादा उसको लोड कर रहे हैं कि आपने देखा सर्वर डाउन था। तो उन सारी प्रयासों के जरिए अगर सरकार हमारी बात सुनती है तो वो एक अच्छा कदम होगा। और इसमें हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे, कोई भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमें कोई समस्या हो सकती हो या सरकार को कोई दिक्कत हो सकती हो। गवर्नमेंट के द्वारा सुझाया हुआ मेथड है, हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो बिल्कुल आप इस तरीके से ग्रीवांसेस फाइल करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर किसी को भी दिक्कत हो रही है ग्रीवांस फाइल करने में तो वो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अगर अभी भी किसी को कोई समस्या है ग्रीवांस को फाइल करने से रिलेटेड तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 8299117042। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस पर मुझे बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको ग्रीवांस को फाइल करने में। ठीक है, बाकी कॉमेंट सेक्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि आपने क्या लिखा है ग्रीवांस में, और अगर कोई बच्चा जिसे दिक्कत हो रही है तो उसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही, और आशा करते हैं जितना बताया सभी को समझ में आया होगा। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।